कोरोना संदिग्ध युवक का वीडियो वायरल। जितने भी सबको फोन कर दिया अभी तक रात से कोई भी नहीं जाके आया, ये सिस्टर भी कोई रिस्पांस नहीं कर रही है यहाँ पे, प्लीज मेरी मदद करिए। अस्पताल में इलाज नहीं, गालियां मिली। ये गाली देके बुलाया जा रहा है मुझे मारने के लिए, ये देख सकते हैं आप लाइव होकर के देख, ये देखिए मारने की धमकी दे रहा है मुझे। युवक बोला भाग कर 100 लोगों को छोड़ लूंगा। ये लोग इतनी लापरवाही करेंगे मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं चेतावनी दे रहा हूँ मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नाम आकाश गुप्ता है, मैं बस्ती में से कैली अस्पताल से बात कर रहा हूँ। अपना नाम आकाश गुप्ता बता रहा ये युवक खुद को कोरोना संदिग्ध बता रहा है। युवक का दावा है कि बस्ती के सरकारी अस्पताल में उसके साथ ना सिर्फ बुरा व्यवहार किया जा रहा है बल्कि उसे कोई इलाज मुहैया भी नहीं कराया जा रहा। जिला अस्पताल में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, सांस फूल रहा है। मैं पहले कैली जिला अस्पताल में था, फिर वहां से कैली अस्पताल लेके आया गया। वीडियो में आकाश बार बार कहता है कि उसका सांस फूल रहा है, उसे बुखार है, लेकिन कोई डॉक्टर उसकी सुध नहीं ले रहा। अस्पताल की बेरुखी से परेशान आकाश कहता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा और लोगों को संक्रमित कर देगा। मैं रात भर सांस फूल रहा, खांसी सर्दी जुकाम बुखार था मुझे, मैं तड़पता रह गया। कैली अस्पताल में सिस्टर से बोलता रह गया कि मुझे मेरा इलाज करो, मुझे दवा दो, बट सब अंदर जाकर के सो रही थी, कोई रिस्पांस कोई नहीं दिया। सब ये बोल रहे थे कि अंदर जाके सो जाओ। आप मुझे बताओ कि हम अंदर जाके कैसे सोएं जब तबीयत इंसान की खराब है, सांस पे सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। अभी मैं बाहर भाग जाऊंगा यहाँ से और 10 लोगों को छूंगा जाकर के, 10 को छुएंगे, 100 को छुएंगे, आप बताओ महामारी कैसे नहीं बढ़ेगी। ये लोग इतनी लापरवाही करेंगे मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं चेतावनी दे रहा हूँ मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैं DIG सर को फोन कर दिया, CMO सर को फोन कर दिया, SI सर को फोन कर दिया, डॉक्टर जितने भी सबको फोन कर दिया, अभी तक रात से कोई भी नहीं झाँकने आया, ये सिस्टर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है यहाँ पे, प्लीज मेरी मदद करिए प्लीज। एक दूसरे फेसबुक लाइव में ये युवक स्वास्थ्य कर्मियों पर गाली गलौज और बदसलूकी का आरोप लगाता दिख रहा है। ये देखिए मारने की धमकी दे रहा है मुझे। साले तबीयत खराब है ऊपर से तुम लोग, ये देखिए, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए रात से चिल्ला जा रहा हूँ कुछ तो ट्रीटमेंट दे दो, बट कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है यार, सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, दरवाजा बड़बड़ाता रह गया यार। तुम लोग अभी जाएगा वीडियो जा रहा है, अभी पता चलेगा, अभी देखो ना जो चिल्ला रहे हो ना, अभी चिल्लाओ, तुम लोग चिल्लाओ, ये देखो। मेरी सांस फूल रही है, तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन इनको कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। हिंदुस्तान.com में छपी खबर के मुताबिक प्रशासन ने बीमार युवक की काउंसलिंग कराई है, साथ ही जांच के आदेश दिए हैं और युवक का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। लेकिन इस वीडियो ने एक बार फिर से यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर कोरोना आइसोलेशन सेंटर में इतना बुरा हाल है तो कोई वहां क्यों जाना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। मैं पहले कैली जिला अस्पताल में था, फिर वहां से कैली अस्पताल लेके आया गया। मैं रात भर सांस फूल रहा, खांसी सर्दी जुकाम बुखार था मुझे, मैं तड़पता रह गया।
कैली अस्पताल में सिस्टर्स से बोलता रह गया कि मुझे मेरा इलाज करो, मुझे दवा दो, बट सब अंदर जाकर के सो रही थी, कोई रिस्पांस कोई नहीं दिया, सब ये बोल रहे थे कि अंदर जाके सो जाओ। आप मुझे बताओ कि हम अंदर जाके कैसे सोए जब तबीयत इंसान की खराब है, सांस पे सांस फूल रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। अभी मैं बाहर भाग जाऊंगा यहाँ से और 10 लोगों को छूंगा जाकर के, 10 को छुएंगे, 100 को छुएंगे, आप बताओ महामारी कैसे नहीं बढ़ेगी। ये लोग इतनी लापरवाही करेंगे, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। मैं DIG सर को फोन कर दिया, CMO सर को फोन कर दिया, SI सर को फोन कर दिया, डॉक्टर जितने भी सबको फोन कर दिया, अभी तक रात से कोई भी नहीं झाँकने आया, ये सिस्टर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है यहाँ पे। प्लीज मेरी मदद करिए प्लीज। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।